press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे पहले तो जितने भी मेरे दर्शक हैं मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और मेरी पहली फिल्म राजा राजकुमार अभी दिवाली छठ पे रिलीज होने वाला है। बहुत अच्छा फिल्म बनाए हैं डायरेक्टर एच एस को, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दीजिएगा और बहुत अच्छी पिक्चर बनेगी। ये फिल्म आशिक बनाया आपने, जिसके प्रोड्यूसर एस के सिन्हा जी हैं और डायरेक्टर हमारे राकेश सिन्हा जी, और कहानी राकेश भी है, राकेश त्रिपाठी जी लिखे हैं। बहुत अच्छा कहानी है, हमने सुना है, थोड़ा सा लव स्टोरी है, पारिवारिक पिक्चर है। मतलब हम उस फिल्म को समाज में दिखा सकते हैं और सभी जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर उसको बैठ के हम अच्छे से देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राज प्रेमी है, खलनायक नाम नहीं है मेरा। फिल्म की रिक्वायरमेंट होती है, एक नायक होता है, नायिका होती है, डेफिनेटली खलनायक भी होना चाहिए फिल्म में, क्योंकि हम उस संस्कृति से जुड़े हुए हैं कि हम रामायण, रावण नहीं है तो राम नहीं है। आज रावण, आज हम अभी ये दशहरा है, कल रावण की बात करना ज़रूरी है। हमारी संस्कृति में है, राम की अच्छाई इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि रावण की बुराई बहुत थी। तो हर फिल्म में एक खलनायक डेफिनेटली होता है। प्रतीक के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। मैंने भोजपुरी में वैसे बहुत कम, मतलब मैं अपने आप को बदकिस्मत मानता हूँ कि मैंने भोजपुरी में बहुत कम काम किया, जबकि मैं काफ़ी सालों से भोजपुरी फिल्में कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कम काम किया। लेकिन जैसे पवन की भी पहली, पवन सिंह की पहली फिल्म मैंने की थी योद्धा, प्रतीक की दूसरी फिल्म मैं कर रहा हूँ। शुभकामनाएं देना चाहूँगा प्रतीक को, और जैसे इसकी दूसरी फिल्म है, पहली फिल्म राजू राजकुमार और ये आशिक बनाया आपने, अब ये कर रहा है हमारे साथ, हम कुछ इससे सीखेंगे, ये हमसे कुछ सीखेगा। तो राकेश सिन्हा साहब हैं, बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। मेरी मुलाकात हुई थी इनसे, जो इनका सब्जेक्ट नरेशन है, जब आप नरेट करते हैं सब्जेक्ट तो समझ में आ जाता है कि, क्योंकि नरेशन का मतलब है आपके दिमाग में वो पिक्चराइजेशन चल रहा है, तो जिस हिसाब से वो नरेट उन्होंने किया तो वो पिक्चराइजेशन समझ में आता है। बहुत टैलेंटेड है राकेश त्रिपाठी जी है हमारे राइटर, तो अवार्ड भी मिला है, अवार्ड भी मिला है। और प्लस क्या है, इन्होंने भी बहुत कम समय में ना, इन्होंने मेरा कैरेक्टर पूरा नरेट कर दिया मुझे। तो अगर कम समय में, जैसे क्या होता है, एक फिल्म होती है, टीवी सीरियल होता है और एक ऐड होता है, 10 सेकंड में ऐड की स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, 22 मिनट में एक टीवी सीरियल ख़त्म हो जाता है, और 3 घंटे की एक फिल्म होती है, कहानी एक ही होती है।
तो इन्होंने बहुत कम समय में ना मेरा मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह से नरेट किया. सब टैलेंटेड है, मैं डेफिनेटली इस फिल्म से कुछ सीखूंगा. और इसमें मैं नायिका के पिता का रोल कर रहा हूँ. खलनायक बेसिकली खलनायक नहीं है, अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और हर बाप करता है और मुझे लगता है करना चाहिए भी. हर पिता को अपनी बेटी से प्यार करना चाहिए. इसमें एक अलग तरीके का किरदार है, आप लोग देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा कि बेटी भी पिता से बहुत प्यार करती है और बाप भी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उनके प्यार के बीच में ना एक एक हल्की सी चीज़ है जो इस फिल्म का हाईलाइट है. वो फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा. अच्छी और नई कहानी एक. हाँ प्रतीक को नाम ही उनका प्रतीक है, उनके शुभकामनाएं यूज नहीं, बस उनको मेहनत की जरूरत है, मेहनत करता है और अपना प्रतीक करते रहे. बस इतना कहूँगा, राजा राजकुमार के बाद उनमें आशीष बनाया आपने, तो उनके साथ अच्छी आशीष बनाया आपने के बाद शायद और अच्छा करे. मर वर हिम्मत ऐसा अभी नामकरण हो गया राजा राजकुमार, अब यहाँ से रोमांस शुरू हो गया आशीष बनाया आपने, अब आगे आशीष भी चालू हो जाए तो इनकी शुरुआत बहुत अच्छी हो गई. इनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं. राज जी हैं सीनियर एक्टर हैं, ये तो घर घर लोग जानते हैं. जय हनुमान शो में हनुमान जी को इन्होंने किरदार किया था, तब से मैं उनको मतलब ये था कि सर के साथ काम करूँ. उन्होंने सीरियल में साथ तो काम किया लेकिन एज अच्छी बढ़िया बातचीत की. और सिन्हा जी के बारे में मैं तो अखिलेश राज जी से सुनता ही आ रहा हूँ. जैसे मौका मिला हमने बोला हाँ भाई ठीक है फिल्म करना है. राकेश त्रिपाठी भैया के बारे में इतना ही बोलूँगा कि अच्छे राइटरों में शुमार है वो, और अभी उनको संघर्ष के लिए अवार्ड भी मिला. आप सबको पता कि संघर्ष कितनी खूबसूरत फिल्म बनी है. उनके अंदर एक चीज़ है कि वो भोजपुरी सिनेमा से थोड़ा सा हट के नीचे हट के हमेशा कोशिश करते हैं कुछ नया करें. तो ये फिल्म की कहानी भी बिल्कुल उन्होंने जैसा नरेट किया वो. हमारे सिन्हा साहब प्रोड्यूसर बहुत ही सुलझे इंसान है, बहुत ही रिस्पेक्टेड है. कल मिले थे हम लोग अवार्ड यहाँ से पहले, और ये लोग इतनी अच्छी टीम है कि मैं अपनी शूटिंग छोड़ के आज ये मुहूर्त में, क्योंकि इनका प्यार है. और प्रतीक को मैं इतना ही कहूँगा कि मेहनत करते रहिए, जिसके सर ने कहा कि सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखते रहना. हम तो सीख लेंगे सर, पता नहीं. नहीं नहीं, हम भी सीखेंगे, हम भी प्रतीक से हम वही करें, हम तो सीख लेंगे. क्योंकि नए लोगों के में एक अलग एनर्जी होती है डेफिनेटली. देव जैसे कि तुमने बताया कि आपने हमारे साथ भी काम किया है, तो हमने भी ना कुछ नए लोगों से हमेशा सीखा है. उनकी एक एनर्जी होती है, एक अलग तरीके की एनर्जी होती है. हमने बहुत सालों से काम किया इसका मतलब नहीं हमें सब आ गया, ऐसा नहीं है. डेफिनेटली कुछ नई चीज़ें जब इनके साथ काम करूँगा तो मैं भी सीखने की कोशिश करूँगा. वैसे मैं इनको भी बोलता हूँ कि ये भी जब हमारे साथ काम करें तो सीखने की कोशिश करें. सीखने की लगन ही कलाकार को आगे बढ़ाएगी और टिकाए रखेगी. सर की फिल्म भी थी साउथ में, नितिन हीरो थे उसमें. सर आज तक लास्ट क्लाइंट इनका गेटअप अच्छा. और यही कहूँगा प्रतीक, आप बहुत अच्छी टीम के साथ जुड़े हैं, आप अच्छा काम करिए, आपका भविष्य है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतने कामयाब होंगे. देखिए मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, मैंने आपसे वही कहा कि मैं काफ़ी समय से हूँ लेकिन मैं भोजपुरी फिल्मों से जुड़ा हुआ नहीं हूँ. ये मैं अपनी बदकिस्मती मानता हूँ कि मैं 7-8 साल से भोजपुरी फिल्में कर रहा हूँ. दूल्हे राजा मेरे ख्याल से 2012-13 में मैंने शुरुआत की थी, दूल्हे राजा दिनेश के साथ. तेरे नाम, योद्धा, चैलेंज, मतलब वो हर साल मेरे मुझे लगता है मेरे को भोजपुरी इंडस्ट्री ईयरली एक फिल्म देने का सोचिए कि ईयरली एक ही फिल्म देंगे इनको, ज़्यादा नहीं देंगे. तो चेंजेस देखिए, मैंने इनफैक्ट जब दिनेश के साथ भी काम किया तो दिनेश भी शायद उस वक्त उभर ही रहे थे. पवन सिंह के साथ भी पहली फिल्म की और मैंने पवन सिंह को काफ़ी चेंज होते हुए देखा. मतलब एक जैसा प्रतीक है अभी, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने वैसे ही पवन को देखा था एंड अभी सडनली मैंने पवन को स्टार रूप में देखा है. मतलब मैं पवन को सच्ची में बोलता हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी फिल्म सलमान खान के साथ भी की है. पवन भोजपुरी का सलमान खान है, मतलब एक स्टार एडेड उसमें वो ऑरा है, वो ऑरा है. मतलब जो जब वो सेट पर आता है तो मैंने योद्धा में भी देखा था लेकिन उसका एटीट्यूड योद्धा में भी वही था और चैलेंज में भी वही था, सैया सुपरस्टार में भी वही था. मतलब उसके एटीट्यूड में कोई नहीं बदलाव आया कि मतलब वो तब भी वैसा ही था.
और बदलाव अभी क्या है, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए थॉट आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं और वो लोगों ने भी एक्सेप्ट करना शुरू किया है, इसीलिए बननी शुरू हुई है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो 7-8 साल पहले जिस तरीके का सिनेमा बन रहा था भोजपुरी, उस हिसाब से काफ़ी अलग सिनेमा बन रहा है अभी। बिल्कुल, जो मैं थोड़ा थोड़ा डिजिटल होने की वजह से और लोग नई चीज़ें देखना शुरू कर दिया है, नई चीज़ें एक्सेप्ट करना शुरू किया है, ये बहुत अच्छी बात है। यंगस्टर बहुत जुड़ गए हैं भोजपुरी सिनेमा से, तो यंगस्टर को वो टिपिकल वो सिनेमा जो उस दौर में था वो शायद उतना नहीं पसंद कर रहे हैं, वो नई चीज़ें, क्योंकि डिजिटल मोबाइल पे आ गई है, सारी चीज़ आपके मोबाइल पर है पूरी दुनिया, तो उसमें वो भोजपुरी को एक अपना कंपटीशन के तौर पर मान रहे हैं। और वो मैं भोजपुरी के ऑडियंस को बहुत मतलब उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो भोजपुरी से जुड़े हुए हैं, वो भोजपुरी सिनेमा देखते हैं और हर सिनेमा देखते हैं, देखते हैं, मतलब उनको थैंक्स बोलना पड़ेगा भोजपुरी ऑडियंस को और यंगस्टर खास करके। सर क्योंकि मैं बीइंग एन एक्टर काफ़ी जगह पे जाता हूँ सीरियल्स के लिए और दूसरी पिक्चरों की, उसमें ना मुझे कई कई अलग अलग जगह पे ना वो मुझे भोजपुरी सिनेमा से पहचानते हैं और मुझे फोटो लेते हैं कि सर आप वो फल्ली फिल्म में थे ना, एक एक सेल्फी हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत हमारे भोजपुरी फिल्म। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये चेंज है ना, मतलब मैं हमेशा से ये कहूँगा कि चेंज अच्छे के लिए हो बहुत अच्छी बात है, और ये मेरे ख्याल से अच्छे के लिए अग्रसर हो रहा है चेंज धीरे धीरे। मेरे ख्याल से अगर सब लोग कोशिश करें तो एक भोजपुरी सिनेमा, देखिए सिनेमा की कोई लैंग्वेज नहीं होती, मैं ये मानता ही नहीं कि सिनेमा की कोई लैंग्वेज होती है। अंग्रेजी सिनेमा भोजपुरी में डब होकर दिखाई जाती है, तेलुगू फिल्म, तमिल फिल्म, मैंने 10 लैंग्वेज में फिल्म की है और हर फिल्म हिंदी में डब होकर आपके टीवी पे डिजिटल में दिख रही है, तो सिनेमा की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। हम भोजपुरी सिनेमा की बात क्यों करें कि भोजपुरी सिनेमा अच्छी फिल्में हर लैंग्वेज में चलेगी, अच्छी चीज़ें बन रही है और वो रितु सिंह के साथ तो मैं कभी काम नहीं किया हूँ, बट उनकी फिल्में देखा हूँ, अच्छी है, उनके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। अच्छी है, बबली है, अच्छी बबली। देखिए दोनों एक ही लाइन में बोल दिया, इनके साथ काम नहीं किया है, तो अभी काम करेंगे, काम करेंगे तो 10 तीसरी फिल्म बता, 10 दिन के दिन ही काम करके 10 ही दिन में बता देंगे। सर आपसे जानना चाहूँगी फिल्म के बारे में, बताइए कैसे शुरुआत हुई थी, आशिक बनाया आपने शुरू की जाए और प्रतीक को एक्टिंग जी। सबसे पहली बात कि मैं इस फिल्म के बारे में कहूँ, इसके पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि तीन लोग को मैं श्रेय देना चाहता हूँ जो मुझे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए। उसमें सबसे पहला श्रेय राकेश त्रिपाठी जी को भी जाता है, जिन्होंने मेरे साथ पहले सीरियल में काम किया था, मेरे एक सीरियल को जिन्होंने लिखा था और तब से ये मुझे कहते आए थे कि मैं आपको फिल्म भोजपुरी फिल्मों में लेकर आऊँगा। अखिलेश राय जी हैं और शुभम तिवारी जी, ये तीन जो मतलब लोग हैं जो मुझे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर आए। बहुत सारी कहानियों पर हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन जब मैं आशिक बनाया आपकी कहानी को मैंने पहली बार सुना तो मुझे लगा कि ये एक परफेक्ट फिल्म है जिससे मैं अपने आप को भोजपुरी फिल्मों में डायरेक्शन के रूप में अपने आप को लेकर आऊँ। हाँ, तो ये फिल्म मुझे एक स्वस्थ मनोरंजक फिल्म लगी। मनोरंजक कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये दौर चल पड़ा है जहाँ की एक स्वस्थ मनोरंजक फिल्में बनने लगी हैं और मुझे खुशी है कि ये आशिक बनाया आपने एक स्वस्थ मनोरंजक फिल्म बनेगी और अच्छी फिल्म बनेगी, क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही पारिवारिक है और मनोरंजन के सारे स्रोत इसमें मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस फिल्म का नाम ही है आशिक बनाया आपने, तो आपको ये चीज़ लगता होगा कि कैसा फिल्म है, बट इसमें काफ़ी मनोरंजन है और आशिक बनाया मतलब दोनों एक दूसरे के काफ़ी आशिक होते हैं, तो अल्टीमेटली पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना पड़ता है कि नहीं ये आशिक बनी जाओ तुम दोनों, और फिल्म पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, जब आप फिल्म देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। वो बाद में पता चलेगा कहानी नहीं, ये कहा ना, यही कहानी का हाईलाइट है, कहानी का हाईलाइट यही है कि यही है। कहानी अच्छे तौर पे हमारे राकेश त्रिपाठी की बताएं। जी राकेश जी बताइए। आशिक बनाया आपने टाइटल साउंड करता है लव स्टोरी, है भी एक लव स्टोरी, लेकिन इस लव स्टोरी के अलावा एक फिल्म में बहुत कमाल का मुद्दा, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है।
जैसा कि देव ने बताया मेरी फिल्म जिसके लिए मुझे अवार्ड मिली, तो पहली बार हमने प्रयोग किया था एक बाप और बेटी के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करें संघर्ष में। पिक्चर का नाम था संघर्ष। बहुत हीरोइज्म हो गया, बहुत हीरो आता है और ह्यूमन के जैसा कुछ भी करके चला जाता है। तो हम लोग एक अलग अलग तरीके में जाके हम लोग ने सोचा मानवीय मूल्यों की बात की जाए, हम लोगों ने संघर्ष में की और कामयाब हुई। इस पिक्चर के बारे में मैं वही बताना चाहूँगा, कंप्लीट फैमिली ड्रामा है। अब फैमिली है जहाँ परिवार है, परिवार है तो प्रेम भी होगा तो वहाँ टाइटल आ जाता है। बेसिकली कहानी पूरी तरह से बाप और बेटी के रिलेशनशिप पे है। एक कमाल का प्यार, हर बाप अपने बच्ची को बहुत प्यार करता है, अपने औलाद को बहुत प्यार करता है, कमाल का प्यार है। लेकिन ये जो भागम दौड़ की जिंदगी चल रही है जहाँ हम सब भाग रहे हैं, उलझे हुए हैं खुद में, तो एक डायलॉग की कमी आ रही है अपने बाप और बच्चों में, माँ और उसकी बेटी में। एक संवाद कहीं ना कहीं से लैक हो रहा है, हमारे पास वक्त नहीं हम बच्चों से बात करें, और प्रॉब्लम वहाँ खड़ा होता है। तो ये पिक्चर संदेश देगी कि बॉस सारी आपाधापी एक तरफ, परिवार अपनी जगह पे है, और परिवार को वक्त दो, परिवार को संभालो, परिवार से बात करोगे, परिवार सिमट के चलेगी। तो जो परिवार बिखरते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोशिश है क्यों हो रहा है भाई, तो उसको संभाला जाए। तो ये एक मैसेज होगा इस फिल्म में, देखते हैं कहाँ तक कामयाब हो पाते हैं। शूट हम लोग बाकी कास्टिंग क्रू पे भी काम कर रहे हैं, जब सब लोगों का डेट हमें एक साथ मिल जाए और हमारे लोकेशंस, हमारे मौसम भी हमारा साथ दे, तो फिर हम लोग शूटिंग के डेट का अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द कर देंगे। कहाँ शूट करेंगे? ऑफ कोर्स यूपी में करेंगे। म्यूजिक के बारे में कुछ जानना? म्यूजिक हमारे गीत संगीत दोनों विनय बिहारी जी दे रहे हैं, और रिकॉर्डिंग मतलब शुरू हो चुकी है, गाने पर काम शुरू हो चुका है अभी तो फिलहाल। बहुत अच्छे गाने बनेंगे, चूँकि विनय जी बहुत लीजेंडरी हैं, विनय जी को सब जानते हैं। विनय जी चूँकि समय के अभाव में अभी वो राजनीति की तरफ शिफ्ट हुए, तो थोड़ा सा संगीत से ध्यान उनका कम हुआ, लेकिन अभी वापसी कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से विनय जी वापसी कर रहे हैं। साफ सुथरे गाने, अच्छे गाने, जो अश्लीलता का एक दाग लेकर हम लोग अपने माथे पर घूम रहे हैं, तो शायद विनय जी उसे निकालने में बहुत बड़े मददगार साबित होंगे। राकेश सिन्हा जी से जब मिला, अभी ज़्यादा भी नहीं हुआ मुझे मिलकर, 2-3 महीने हुए होंगे, तभी इन्होंने मुझे आशिक बना लिया था। और बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं इसके पहले इनको नहीं जानता था। जब हमारी मुलाकात हुई और इनसे बात किया तो पता चला कि कितने सुलझे हुए, ठहराव इनमें कितना है, बहुत अच्छे इंसान के साथ, ऑफकोर्स बहुत अच्छे डायरेक्टर, साथ ही साथ बहुत अच्छा लिखते भी हैं, और चेहरे से तो ऐसा इतने मासूम लग रहे हैं लेकिन है रोमांटिक कैरेक्टर। बहुत अच्छे, इनके साथ काम करने में मज़ा आएगा, और मैं बहुत उत्सुक हूँ कि जल्द से जल्द ये एक्शन बोले और मैं एक्टिंग करूँ। अभी देखते हैं, अभी तक तो मैं राकेश भैया का आशिक हूँ, अब मेरे साथ ये क्या देते हैं। वैसे एक बार इनके साथ मैंने आशिकी की थी, शुभम जी के साथ एक आशिकी हो चुकी है हमारी, बहुत बहुत अच्छी फिल्म थी ये, उसमें हीरो थे, मैं इनके साथ कॉमेडी कर रहा था सर, मैं मेरा सौभाग्य था सर जी, और ऐसा सौभाग्य ये दोबारा हम बिल्कुल इनके साथ काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं जब इंडस्ट्री में मतलब मुंबई भी नहीं आया था, तब मैंने एक फिल्म की थी, हे तुलसी मैया, मेरे गॉड फादर विजय खड़े जी थे, और उसके जो हीरो थे हमारे ये भैया हैं, भैया उसमें हीरो थे, और नीता पुरी की हीरोइन थी, पद्मा खन्ना जी डायरेक्टर थी, और भी इंडस्ट्री के बहुत सारे रीता भादुरी जी और बड़े बड़े कलाकार थे उसमें। तो मेरी एंट्री हुई थी तो भैया के फिल्म से हुई थी, ललितेश भैया आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने उस समय बहुत हेल्प किया था, और इस फिल्म के लिए बस शुभकामनाएं देता हूँ। प्रतीक जी की ये दूसरी फिल्म है, भगवान करे। यहाँ पर अभी पवन जी की बात हो रही थी, पवन जी हॉट केक हैं, पवन जी की तरह ये प्रतीक जी भी स्टार बन जाए,
सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। ऐसा है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तब होती है जब उसका टीम उसके साथ काम करता है। मेरे लिए वाकई में अभी का जो पल है, स्पेशली ललितेश भैया, राकेश सर और के गोस्वामी जी भैया, सारे लोग जो हैं यहाँ पर, सारे हमारे वेल विशर हैं और मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और ऐसा जो ये पल हम लोगों को मिला है, वाकई मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं ललितेश भैया के साथ सेकेंड बार, क्योंकि हम लोग अंतिम तांडव में, याद आया मुझे, अंतिम तांडव में हमने साथ में काम किया। और सौभाग्य है मेरा कि मैं आज इस मंच पर बैठा हूँ, इस जगह पर बैठा हूँ। सबसे पहले तो प्रतीक बाबू को बहुत सारी शुभकामनाएँ। राकेश सर के बारे में मैं इसलिए कुछ कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे डायरेक्टर हैं, बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने एक प्रमोशन के दरमियान सर से मेरी मुलाकात हुई थी, वो थी बहुरानी, और भौजी नंबर वन का उस समय ग्रैंड फिनाले चल रहा था और वहाँ पर मुलाकात हुई थी सर से। उसी समय से मेरी तमन्ना थी कि मैं एक ना एक दिन सर के साथ काम करूँगा, क्योंकि टेक्निकली आज हमें इंडस्ट्री में, हमारी भोजपुरी सिनेमा को टेक्निकली स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी छाप देना या कुछ भी शूट कर देना वो मज़ा नहीं है। आज हर ऑडियंस हमारी समझती है कि सिनेमा क्या है। तो आज के डेट में राकेश सर जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर की इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे अच्छी बात है कि आर्टिस्ट को बहुत प्यार से ऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि प्रतीक बाबू काम करके बहुत खुश होंगे। और बाकी जितनी टीम है, राकेश भैया लिखे हैं इस फिल्म को, त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी जो आज की इंडस्ट्री के एकदम वेल नोन राइटर के नाम से जाने जाते हैं, इसमें बहुत सारी टीम जो है, अखिलेश राय जी ईपी हैं और सारे लोग इंडस्ट्री के, दिलीप यादव जी फाइट मास्टर हैं, दिलीप भैया खुद ही एक अपने आप में एक बहुत बड़े शख्स है। तो ये टीम जो बनकर आई है बाहर इस फिल्म के लिए, आशिक बनाया आपने, वो अपने आप में अल्टीमेट टीम है। बिल्कुल, के सर हैं यहाँ पर, सारे लोग हैं, मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। और मैं आज का दिन, ये जो है माता रानी का दिन जो चल रहा है, इसमें बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ राकेश सर आपको। और मेरी तहे दिल से तमन्ना होगी कि हम जल्दी से जल्दी वापस किसी प्रोजेक्ट में हम लोग मिले। वैसे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस फिल्म में भी एक गेस्ट अपीयरेंस है, जो कि हमारे काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर, हम लोगों के सारे टीम के रिक्वेस्ट करने पर शुभम जी ने हामी भरी है, और एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर के साथ इस फिल्म में भी सबको आकर चौंकाएंगे। सर, ये टीम है हमारी। मीडिया से मैं यही गुजारिश करूँगा कि इस फिल्म को और आज के इस फंक्शन को जितना ज़्यादा आप एक्सपोज कर सकते हैं, जितना ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचा सकते हैं, हमें खुशी होगी, क्योंकि एक अच्छी टीम उभर के आई है। और मैं चाहूँगा ललितेश भैया से भी, सर से भी और सारे लोगों से, हमारे सारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, सभी थोड़ा सा शुभकामनाएं दे दें। थैंक यू सो मच। आप सबों को धन्यवाद, आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्कीम को शुभकामनाएं, अच्छी फिल्म बने और बहुत अच्छे दिन आज मुहूर्त हुआ। राकेश जी मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और मैंने इनके साथ बहुत काम किया है। वेरी गुड टेक्नीशियन, जो आज हमारी इंडस्ट्री में अच्छे टेक्नीशियन की जरूरत है, जैसा शुभम ने कहा। हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, लेकिन क्यों नहीं हो रही, कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। उस चूक को कैसे मिटाना, जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे इंडस्ट्री में, अच्छे सब्जेक्ट नहीं चुने जाएंगे, अच्छी फिल्म की मेकिंग नहीं होगी, तब तक हम इसी तरह से इग्नोर्ड रहे जैसे कि आज हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हालात सुधरे, सब लोग अच्छा काम करें, राकेश सिंह जैसे लोग आए इंडस्ट्री में, अच्छा काम करें। बहुत बहुत शुभकामना टीम को, हमारे जो हीरो हैं उनको, इस परिवार को, इस यूनिट को, सारे लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अच्छी फिल्म बने, हमारे सारे परिवार ही अच्छी लोग, घर के लोग। मुंबई एयरपोर्ट
की कलाकारी है, सही बात है। ये बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है, आशिक बनाया आपने। अभी इनके जो डायरेक्टर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़े तरीके से धमाका करने वाले हैं। मैं पर्सनली इनके साथ काम किया हुआ है तो मुझे पता है इनका टेक्नीशियन और एक्टर के साथ किस तरीके से काम देते हैं और बहुत फास्ट काम करते हैं। तो मेरी मुबारकबाद है इनको, राकेश जी की, और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं। तो मैं भी एक एक्टर हूँ, मैंने कुछ किया है फिल्मों में या टीवी शो वगैरह। तो राकेश जी को बहुत बहुत मुबारक हो, आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा अच्छा डायरेक्टर मिलेगा भोजपुरी इंडस्ट्री में। अभी पिक्चर में तो एक्शन होता है, फाइटिंग करता हूँ मैं, और ये पीछे का तो ये पीछे का मैं आगे ये पिक्चर अपना राकेश जी सिन्हा जी बैठे हमने मीटिंग की, हम लोग अलग ही स्टोरी है इसका, जबरदस्त अच्छा एक्शन भी अच्छा ही आएगा, एक्शन पे बहुत काम, हाँ बहुत काम अच्छा करेंगे। और फिल्म देखने के बाद मालूम पड़ेगा पिक्चर का कलेक्शन कैसा है, अभी तो मैं कुछ पहले बता नहीं सकता हूँ मैं। कौन सा कैमरा तोड़ना है, हाँ इसमें से कौन सा कैमरा को तोड़ना है? अरे नहीं, कैमरा नहीं तोड़ना, कैमरामैन के पैर तोड़ने। ओके मैम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.